नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है बादलों के घेरे। इस कहानी में मुख्यतः दो चरित्र हैं, एक है रवि और दूसरा मन्नो। मन्नो एक युवती है। रवि मन्नो को पसंद करता है। मन्नो रवि की दूर की रिश्तेदार है। मन्नो को तपैदिक है और अब उसकी मृत्यु बहुत निकट है, इसलिए रवि चाहकर भी अपनी भावनाएं मन्नो को नहीं बताता और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता। मन्नो भुवाली के अकेले घर में रहते हुए मर जाते हैं। मृत्यु हो जाने को बादलों के घेरे में चले जाना कहा गया है। अब रवि का विवाह हो जाता है, वह खुश रहता है, पर एक बार उसे भी लंबी बीमारी हो जाती है जिससे उसे पता चलता है कि उसे तपैदिक है। उसकी पत्नी उससे प्रेम तो करती है, परंतु उसके साथ अब वह वही बर्ताव करने को मजबूर है जो कि कभी रवि ने मन्नो के साथ किया था। अब वह भुवाली के उसी कॉटेज में एकदम अकेला इंतजार कर रहा है कि बहुत जल्द वह भी बादलों के घेरे में समा जाए। कहानी यह नहीं कहना चाहती कि रवि ने ऐसा किया इसलिए उसके साथ भी ऐसा हुआ। नई कहानियां आदर्शवाद के चक्कर में नहीं पड़ती। कहानी का भाव केवल इतना सा है कि व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से अकेलेपन का सामना करना पड़ता है या शिकार होना पड़ता है और इस जीवन के बाद बादलों के घेरे में समा जाना होता है। नई कहानी के दौर की निरर्थकता बोध को यह कहानी बताती है।